अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इकबाल सैर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप बहाल कर दी गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क में मशहूर लिप सिंकिंग ऐप टिकटॉक को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक टिकटॉक इंतज़ामिया की जानिब से गैर इखलाकी मवाद को कंट्रोल करने की यकीन दहानी पर मुल्क भर में टिकटॉक की सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि 20 जुलाई 2021 को मज़कूरा ऐप पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन टिकटॉक इंतज़ामिया के साथ रابطے में रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि टिकटॉक की सीनियर इंतज़ामिया ने हमें मुकामी कवानीन और समाजी उसूलों के मुताबिक गैर कानूनी मवाद को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इकदाम करने के अपने आज़म का यकीन दिलाया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में इससे पहले भी एक से ज़ायद बार टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई। टिकटॉक पर आखिरी बार पाबंदी 20 जुलाई 2021 को लगाई गई थी। तब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने कहा था कि ऐप पर नामुनासिब मवाद की मुसलसल मौजूदगी के सबब पाबंदी लगाई गई। इंतज़ामिया ने मुत्तला किए जाने के बावजूद मवाद हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ इकबाल सैर और आप देख रहे थे रियल न्यूज़ वर्ल्ड। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।